हेलो गाइस, होप सो आप ठीक और सब बढ़िया होंगे। तो आज हूँ मैं यूएई में, तो सुबह ही मैं अमृतसर से फ़्लाइट लेके यहाँ शारजहाँ में पहुँचा था। तो शारजहाँ से आगे जाएंगे दुबई, और यहाँ एयरपोर्ट से चीपेस्ट वे जाने का बस, और बस 99 नंबर मिलेगी बस जो आएगी अल जुबैर बस स्टेशन पे। तो यहाँ से अल जुबैर से आगे आप जा सकते हो देरा, दुबई के किसी भी एरिया में आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। तो चीपेस्ट वे में अगर जाना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा अल जुबैर बस स्टेशन पे। तो यहाँ से बस जाएगी, अभी मैं पहुँच गया अल जुबैर बस स्टेशन पे। तो यहाँ से बस जाएगी अभी देरा के लिए, तो उसकी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। इमिग्रेशन में अमृतसर में सिर्फ एयरलाइन ने डॉक्यूमेंट चेक किए और इमिग्रेशन ने कुछ नहीं देखा, ओनली पासपोर्ट और वीज़ा। और शाहजहाँ में वीज़ा भी नहीं देखा, सिर्फ पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी उन्होंने। बस इतनी थी इमिग्रेशन। बस अब जा रही है दुबई देरा सिटी सेंटर। तो बस का नंबर है 307 अल जुबैर से। आप देरा जाने के लिए ये बस पकड़ सकते हो। अभी मैं पहुंच गया अपने होटल। पहुंचने के लिए मुझे 10-15-20 मिनट लग गए, क्यों वहां से मैंने टैक्सी वगैरह की नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं टैक्सी वाले। तो मैंने पैदल ही यहां पे आ गया। और ये मेरा ट्रिप जो पूरी तरह स्पॉन्सर है, ये किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया। तो जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है वो उससे मैं मिलाऊँगा आपको। बस स्टेशन पर था ना, तो उन्होंने बस का रेंट लेते हैं ना, वो कैश नहीं लेते। तो मुझे ये कार्ड लेना पड़ा, उन्होंने मुझे ये 30 दिरहम का दिया था, शायद दुबई में 25 दिरहम का है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर मैं टैक्सी करके आता तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते। तो इसमें देखते हैं कितने पैसे कटे हैं, मुझे पता नहीं कितने कटे हैं, कल देखेंगे इसमें कितना बैलेंस बचा है। तो ये कार्ड मेट्रो में यूज़ होगा, बस में यूज़ होगा और ट्रेन में, तीनों में चलेगा। और दुबई घूमने के लिए ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। चीपेस्ट वे में घूमना तो ये नोल कार्ड आपको आते ही बना लेना चाहिए, तो इजी बन जाता है। वैसे दो और कार्ड लो बस, और कुछ नहीं करना। तो वेंडिंग मशीन भी लगी होती है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको आप। तो ये कार्ड ज़रूर बनवा लें आप जब भी दुबई आए, अगर आप चीपेस्ट वे में दुबई को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड आ चुका है रूम में, तो मैं आपको उनसे बनाता हूँ जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है। तो ये मेरा दोस्त है दीपक। हाय एवरीवन, और बाजी कैसे हो? बस बढ़िया जी, तुम सुनाओ? हाँ अच्छा है। कितना रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, आपकी वेट कर रहे थे हम लोग। वेट तो फिर करनी पड़ती है। होटल कैसे, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा होटल है, आपके लिए स्पेशल पहले ही बुक करके रखा था हमने। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम ब्रदर। तो रंजोत पाजी को मिस कर रहे हैं हम लोग, और पाजी को बोलेंगे कि जल्दी तो जल्दी मिले हमसे। पाजी कोई ट्रिप बनाएं कि साथ में करें। फिर तू तो चले जाएगा तो फिर कैसे ट्रिप बनेगा? कोई बात नहीं, कनाडा आ जाएंगे हम। ओके, वहाँ पे भी आपको स्पॉन्सर कर देंगे, कोई बात नहीं यार। ठीक है कोई बात नहीं। तो कल फिर घूमेंगे बुर्ज खलीफा। चलो रात को करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करते हैं कुछ। बस आप होटल देखो, आपको पसंद है कि नहीं, कैसा है? ठीक, अच्छा होटल, बढ़िया होटल है। मैंने इसीलिए बुक किया, यहाँ पे मेट्रो साथ में ही है, इसीलिए लोकेशन अच्छी है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, कोई टेंशन नहीं है, टैक्सी वगैरह भी आराम से मिल जाती है। मेट्रो पास में नोल कार्ड हमने बना ली है। ओके, नोल कार्ड हमने इसने बना लिया, दीपक ने। तो अगर
एक्सप्लोर करना तो नोट कार्ड जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बजट में ही ट्रैवल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैवलिंग तो बजट में ही होती है, बजट में ही होती है। ट्रैवलिंग हम बजट में ही करेंगे, तो ऐसे नहीं भी स्पॉन्सर किया तो चलो इसका। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो अभी हम जाते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको कुछ क्या खाने के लिए। तो अभी हम आए हैं ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पे, ये हमारे होटल के पास था, तो यहाँ आ गए हम, कुछ खाएंगे, देखते हैं अंदर क्या है खाने के लिए। तो हम पहुँच गए, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट डेरा में हमारे होटल के पास है। तो यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, ये ब्रेकफास्ट में ये साउथ इंडियन फूड है। यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कोई पंजाबी रेस्टोरेंट मिल जाए, पर पंजाबी रेस्टोरेंट हमें अभी तो नहीं मिला, अगर मिला तो फिर वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी तो हमें ये ब्रेकफास्ट में ये साउथ इंडियन खाना पड़ेगा। यहाँ देखो, मैं आपको प्राइस बताता हूँ यहाँ क्या है प्राइस। ये ब्रेकफास्ट में इडली 8 ग्राम की, मिनी इडली 10 ग्राम की, सांभर 950 का, और हमने पूरी भाजी ऑर्डर की है वो 10 ग्राम की है, और उनके थाली सिस्टम भी है। और लंच में मिलती है थाली, ये नॉर्थ इंडियन थाली 18 ग्राम की, साउथ इंडियन थाली मिल जाएगी 19 ग्राम की। तो ये मुझे पाव पूरी हमारी आ गई है, एक और हमने अभी एक और ऑर्डर की है, तो अच्छी है, तो अभी खा के चेक करके बताते हैं कैसी है ना, बाकी तो ठीक है सब। अब हम अभी हम जा रहे हैं मनी एक्सचेंज कराने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रेट मिलता है मनी। तो इंडिया में मुझे रेट पड़ा था 23 1 ग्राम का, तो जहाँ देखते हैं क्या रेट है। $100 के करीब हम अभी एक्सचेंज कराएंगे और देखते हैं क्या रेट मिलता है हमें। तो ये सामने अल अंसारी एक्सचेंज है, यहाँ जाएंगे, रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, और रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा उस साइड, ऐसे सीधे रोड क्रॉस नहीं कर सकते आप। तो अभी हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। ऐसे ना रोड पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती हैं, 100 की स्पीड से गाड़ी आती हैं, तो आप ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते, या तो आपको जैबरा क्रॉसिंग देखनी पड़ेगी, या ऐसे ब्रिज जो होते हैं इनसे आपको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी यहाँ पे। और ये आ गया मनी एक्सचेंज करा के, क्या रेट मिला। कितने मिले? $100 के कितने हैं? 361। अच्छा रेट मिल गया ना, अच्छा रेट, मतलब इंडिया से तो अच्छा मिल गया। तो यहाँ अगर आप डॉलर लेके आते हो तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा कंपेयर टू इंडिया। चलो ब्रेकफास्ट हो गया और मनी एक्सचेंज भी करा ली हमने, तो अब हम जा रहे हैं होटल में, और होटल में जाके नहा धो के फिर जाएंगे कहीं घूमने, तो वो वीडियो हम नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं फिनिश, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल कर लो सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्यों करना चाहिए कि नहीं। ओके बाय, टेक केयर।